जय जगन्नाथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसा एक मंदिर जो ना सिर्फ उड़ीसा में बल्कि पूरी ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध पुरी की श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। पुरी की जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जहां लॉर्ड जगन्नाथ, जो कि भगवान विष्णु और कृष्ण के अवतार हैं, यहां पूजा जाते हैं। अपनी बड़ी भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ यह एकलौता हिंदू मंदिर है, जहां पे भगवान कृष्ण के अवतार श्री जगन्नाथ जी ने अपनी भाई और बहन के साथ ही पूजा जाता है। यह मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर में स्थित है, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पे है, और मुंबई से 1800 किलोमीटर, दिल्ली से 1700 किलोमीटर, कोलकाता से 500 किलोमीटर, चेन्नई से 1300 किलोमीटर और बेंगलोर से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूरी पे है। ये दूरी कम या ज्यादा हो सकता है। 1200 शताब्दी में राजा अनंत वर्मा चोड़गंग देव ने मंदिर का निर्माण कार्य को आरंभ किए थे, और उसके बाद उनकी पोता अनंग भीमदेव द्वितीय ने इस काम को खत्म किए थे। यह मंदिर 10 एकड़ क्षेत्रफल विशिष्ट जमीन के ऊपर स्थित है। 1452 में गजपति के राजा कपिलेंद्र देव ने एक दीवार का निर्माण किए थे, जो कि आज के जमाने में मेघनाद पाचरी के नाम पर जाना जाता है, और मेघनाद पाचरी के ठीक अंदर और एक दीवार का निर्माण किया गया है, जिसको कुर्मबेड़ा के नाम पर जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर कलिंग, जो कि आज की उड़ीसा है, उसकी संस्कृति और कला के ऊपर निर्मित है, जहां उड़िया संस्कृति और कला की एक अपूर्व संगम को देखने के लिए मिलता है। जगन्नाथ जी को बड़ा ठाकुर यानी कि जगत की बड़ी देवता की मान्यता दिया गया है। उसी तरह जो भोग चढ़ाया जाता है मंदिर में, उसको महाप्रसाद का आख्या दिया गया है। इतना ही नहीं, जगन्नाथ जी को जो मंदिर है उसको बड़े देवला यानी कि श्री मंदिर का भी मान्यता दिया गया है। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर श्री बच्छखंड शाला रीति के अनुसार बनाया गया है। भले ही मंदिर समुद्र के तट पे है, पर मंदिर के अंदर जो कुआ है उसमें मधुर जल निकलता है, बल्कि नमकीन जल। और 1975 में जगन्नाथ मंदिर को जातीय कृति का सम्मान मिला है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चक्र होता है, जो कि नील चक्र के नाम पे जाना जाता है, और यह अष्टधातु से बना हुआ होता है। चक्र के ऊपर जो ध्वजा है उसको पतिता पावन बाना कहा जाता है, और जिसको हर रोज बदला जाता है। मंदिर के अंदर 22 सीढ़ियां हैं, जिसको उड़िया भाषा में 22 पहाच कहा जाता है, और जिन जिन भक्तों ने ये 22 सीढ़ियों को लोट लोट कर अतिक्रम करते हैं, उसको संतान प्राप्ति होता है। बहुत सारे लोग साल भर अपनी पूर्वजा का श्राद्ध भी 22 पहाच के ऊपर ही करते हैं, और रथ यात्रा के दिन तीनों भगवान 22 पहाच को अतिक्रम करके मंदिर से निकलते हुए रथ में विराजमान करते हैं। 22 पहाच के चारों ओर बहुत सारे पार्श्व देवता और देवियों का मंदिर भी है। चलिए जानते हैं, माया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, तृष्णा, ख्यांति, जाति, लज्जा, शांति, कांति, वृत्ति, समृति, दया, तुष्टि, बिक्री, मातृ, भ्रांति और प्रज्ञा जैसा मंदिर स्थापित है। पुरी जगन्नाथ मंदिर की निर्माण शैली पंचरथ शैली के आधार पर है। मंदिर के चारों ओर मेघनाद दीवार है, और उसके अंदर है कुर्म द्वार, और कुर्म द्वार के ठीक बीच में है श्री मंदिर। श्री मंदिर को चारों भाग में बटा गया है। पहला मुख्य मंदिर या फिर गर्भगृह, दूसरा है जगमोहन या फिर मुखशाला, तीसरा है नाटमंडप, और चौथी है भोग मंडप। मंदिर के अंदर एक सिंहासन है, जिसको कहा जाता है रत्न सिंहासन, या फिर कोई कोई उसको जगते भी बोलते हैं और रत्न बेदी भी बोलते हैं। रत्न सिंहासन के ऊपर तीनों मूर्तियों के अलावा और भी 5 अलग अलग मूर्तियां हैं। चलिए जानते हैं, प्रभु सुदर्शन दारू मूर्ति है, उसको कहा जाता है माधव दारू मूर्ति, और एक मूर्ति है मदन मोहन, जो कि अष्टधातु से बना हुआ मूर्ति है,
और एक मूर्ति है जिसको कहा जाता है श्रीदेवी, जो कि लक्ष्मी माता की मूर्ति, और एक मूर्ति है जिसका नाम है भूदेवी, जो कि माता सरस्वती को समर्पित है, जो कि चांदी से बना हुआ मूर्ति है। मंदिर को जाने के लिए चारों द्वार है, पूर्व में सिंह द्वार, पश्चिम में बाघ्र द्वार, उत्तर में हस्ती द्वार और दक्षिण में है अश्वद्वार। उनमें से पूर्व द्वार का जो अहमियत है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इस द्वार को पुण्य द्वार या फिर मोक्ष के द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर के अंदर जगमोहन द्वार, पवित्र कलघट द्वार, बहराना द्वार, सातपहाच द्वार, धुकुड़ी द्वार, पंडा द्वार, मुदली द्वार, घंटा द्वार इत्यादि। मंदिर से जुड़ी दो बड़ी स्तंभ है जो कि मंदिर के साथ साथ भी बहुत मशहूर है। एक है अरुण स्तंभ जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है, और दूसरी है गरुड़ स्तंभ जो कि भगवान गरुड़ को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर की और एक अहम हिस्सा है उसकी रसोशाला, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ के लिए खाना बनाया जाता है। कहा जाता है जब से यह मंदिर निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक किसी एक दिन भी वो आग नहीं बुझी है, और कोई ऐसा एक भक्त नहीं है जिन्होंने खाली पेट श्री मंदिर से लौटा हुआ है। इस मंदिर में खाना कुछ भिन्न प्रकार का तरीकों से बनाया जाता है, जहाँ पे विज्ञान का एक भी नियम लागू नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ एक मिट्टी बर्तन के अंदर दूसरी मिट्टी बर्तन रखा जाता है, और सबसे आश्चर्य की बात यही है कि ऊपर वाला जो मिट्टी का बर्तन होता है वहाँ पे पहले ही खाना पक जाता है, और यहाँ पे जितने भी खाना और जो भी खाना बनाया जाता है वो सारे खाना मिट्टी या फिर पीतल के बर्तन में बनाया जाता है। दरअसल यहाँ पे दो किस्म की भोग चढ़ाया जाता है, पहला है बल्लव भोग और दूसरा है सकाल धूप। बल्लव भोग में प्रभु जगन्नाथ को शक्कर वाला मुरमुरा, पका हुआ केला, दही, मलाई, मंडा जो कि उड़िया कुजिन का एक प्रकार का कचौड़ी होता है, उसके साथ साथ नारियल, संतरा, खीरा, चीकू आदि भोग लगाया जाता है। और दूसरी ओर सकाल धूप में भगवान जी को सफेद चावल, मूंग दाल की खिचड़ी, घी वाला चावल, दाल, दालमा जो कि उड़ीसा की एक ट्रेडिशनल दाल है, उसके साथ साथ बेसर जो कि एक मिक्स वेज करी होता है, उसके साथ साथ हरे पत्ते की साग और आटा के बनाया हुआ किसी भी प्रकार का कचौड़ियाँ। मंदिर के अंदर जो भी पकवान बनते हैं उसके लिए कुछ गिने चुने सब्जियां ही चुना जाता है, उनमें से है अरबी, लौकी, कच्चा केला, कटहल, मूली, पारवल, सीम, पेठा, कठोर लकी, बैंगन, मीठा आलू, अदरक, नारियल, हरा धनिया, और मसाले के अंदर देसी घी, काली मिर्ची की पाउडर, दालचीनी, बड़ी इलायची, हींग, सौंफ, सरसों आदि का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तेल और तेल जातीय किसी भी पदार्थ का पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ पे जो भी खाना बनता है वो शुद्ध देसी घी में ही बनता है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जितने भी सोना और जितने भी आभूषण है उसको रखने के लिए मंदिर की निर्माण काल से ही एक भंडार का निर्माण किया गया था, जिसको रत्न भंडार कहा जाता है। कहा जाता है ये भंडार के अंदर 50 से ज़्यादा गुप्त संदूक है, और उसके अंदर बहुत सारे और बहुत कीमती मूल्यवान चीज़ें हैं। 1952 और 1978 में ये संदूक को खोला गया था, परंतु किस कारण की वजह से उसमें कितने सोना है और उसकी कीमत क्या है उसका तालिका नहीं बनाया गया। कहा जाता है रत्न भंडार को खोलने के लिए तीन चाबियां हैं, और ये तीन चाबियां तीन अलग अलग व्यक्ति विशेष के पास है। कोई कोई ये मानते हैं कि पुरी राजा गजपति के पास पहला चाबी है, दूसरी चाबी है पुरी की मंदिर प्रशासन के, तीसरी चाबी है भंडार के मेकापा के पास। जगन्नाथ मंदिर के अंदर कई छोटी बड़ी मंदिर है, और जानेंगे कौन सी मंदिर है उसके अंदर। उत्तर में त्रिविक्रम मंदिर या फिर बामन मंदिर, दक्षिण में बराहा मंदिर, और पश्चिम में है नरसिम्हा। उसके साथ साथ कुछ और भी पार्श्व देवी देवता हैं,
मंदिर में, जैसे कि फतेह हनुमान, काशी विश्वनाथ, रामाभिषेक, नृसिंहनाथ, अग्निश्वर, नारायण, सत्यनारायण, श्री बालमुकुंद, बटकृष्ण, मार्कंडेय पादुका, बटगणेश, हरिसहदेव, बटावकाश, कल्पवट, बट सर्वमंगला देवी, संकट तारिणी, महाबज्रेश्वर या फिर इंद्राणी, पंचमहादेव, मार्कंडेश्वर, सूर्यनारायण, कुतामचंडी, अनंत वासुदेव, श्री क्षेत्रपाल, यज्ञश्री नृसिंह, रोहिणी कुंड, जलक्रीड़ा मंडप, नाटगणेश, श्री विमला देवी, श्री गोपेश्वरम, वेणुमाधव, श्री साखी गोपाल, श्री कांजी गणेश, खीरचोरा गोपीनाथ, भुवनेश्वरी, श्री सरस्वती माँ षष्ठी, माँ सावित्री, माँ गायत्री और माँ मनसी, श्री नीलमाधव, श्री बेढ़ाकाली, श्री लक्ष्मीनारायण, श्री महालक्ष्मी, नवग्रह, श्री बद्रीनारायण, श्री द्वारिकानाथ, सूर्यचंद्र, श्री दधिबामन, श्री गोपीनाथ, श्री रामचंद्र, बलिपाताल मंदिर, पादपद्म, सुवासारी, श्री ऐशनेश्वर मंदिर इत्यादि इत्यादि। भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी ने साल भर भिन्न भिन्न किस्म की अवतार में अपनी प्रिय भक्त को दर्शन देते हैं। चलिए जानते हैं ऐसा कुछ अवतारों के बारे में। वकाश वेश, बड़ सिंगार वेश, सुना वेश, पद्म वेश, गज्ज उदाहरण वेश, गजानन वेश, घोड़ा लागी वेश, नवांक वेश, बणभोजी वेश, कालिया दलन वेश, प्रलांबसुर वेश, कृष्ण बलराम वेश, राधा दामोदर वेश, लक्ष्मी नारायण वेश, बंकचूड़ा वेश, त्रिविक्रम वेश, लक्ष्मी नृसिंह वेश, नागार्जुन वेश, बामन वेश, श्रद्धा वेश, छचेरी वेश, रघुनाथ वेश, राज राजेश्वरी वेश और चंदन लागी वेश। जगन्नाथ मंदिर में साल भर बहुत सारे त्योहार मनाया जाता है, उनमें से स्नान पूर्णिमा, रथ यात्रा, हरिशयन एकादशी, कर्कट संक्रांति, पार्श्व परिवर्तन एकादशी, हरिउत्थान एकादशी, प्रावरण षष्ठी, पुष्याभिषेक, मकर संक्रांति, दोलोत्सव, दमनक चोरी, चंदन यात्रा आदि प्रधान है। इतिहास के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को कई बार आक्रमण किया गया है और ये सिलसिला 670 से शुरू हुआ और जो कि 1733 तक चलता आया। इतिहास के अनुसार मंदिर को 18 बार आक्रमण किया गया है और उसी वजह से भगवान के जो मूर्तियां हैं उसको कई बार परिवर्तन करना पड़ा और कई जगह भी ले जाना पड़ा। उनमें से चिलिका की गुरुबाईगढ़, बाणपुर की नैरी गांव, खुर्दा की गढ़मंतरी गांव इत्यादि प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मंदिर की निर्माण काल से ही देवदासी प्रथा यानी कि महारी नृत्य प्रथा का प्रचलन किया गया था। महारी यानी कि देवदासियां वो लड़कियां हैं जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के ऊपर समर्पित है और भगवान जगन्नाथ जी के सामने नृत्य प्रदर्शन करते हैं और या फिर किसी भी प्रकार का त्योहार पे सुसज्जित होकर नृत्य प्रदर्शन करते हैं, पर धीरे धीरे ये प्रथा भी विलुप्त हो चुका है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ जितने भी जानकारियाँ मैंने दिया आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में वो काफ़ी होगा। अगर किसी भी प्रकार का जानकारी गलत है या फिर इसमें कोई भी प्रकार का त्रुटि है मैं क्षमा चाहूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपके ध्यान रखिए। जय जगन्नाथ।